हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब, अ ग्रेट टर्नओवर ऑफ इवेंट्स हैज हैपेंड एट चेल्सी फुटबॉल क्लब, जहां पे चेल्सी फुटबॉल क्लब के ओनर रोमन अब्रामोविच को यूके की गवर्नमेंट एक तरीके से ये कह सकते हैं फोर्स कर रही है चेल्सी फुटबॉल क्लब को बेचने के लिए। माय नेम इज आशीष कुमार, आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड अ ग्रेट एडमायरर ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मोर ओवर, मुझे इंटरनेशनल लॉ काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं आपको इस चीज़ ये क्यों हो रहा है एक तरीके से मैं बहुत इजी शब्दों में समझा सकता हूँ। मोर ओवर, आई एम अ ग्रेट एडमायरर ऑफ फुटबॉल एज वेल। सो इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा चेल्सी फुटबॉल क्लब में, ये भी मैं आपको बहुत इजी शब्दों में समझा सकता हूँ। सो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है और क्या इम्पैक्ट होगा इस चीज़ के ऊपर। एनीवेज, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पहले अपन ये समझते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, यूक्रेन और रशिया के बीच में एक वॉर छिड़ी हुई है। अब जनरली जब वॉर होती है ना, तो बहुत सारी कंट्रीज अलग अलग साइड ले लेती हैं। कुछ कंट्रीज यूक्रेन की साइड है, कुछ कंट्रीज रशिया के साइड है। अगर आप ये पूछें कि इंडिया किसके साइड है, तो इंडिया अभी किसी के साइड नहीं है। इंडिया सीधा सीधा ये कही है, अभी जितने भी यूएन के कॉन्फ्रेंस हुए हैं जो मैं बहुत क्लोजली फॉलो किया हूँ, इंडिया का ये कहना है कि भाई साहब, ये ह्यूमैनिटेरियन लॉस के अगेंस्ट जा रही है, आप वायलेट कर रहे हैं ह्यूमैनिटेरियन लॉस को वॉर और करके। तो हम जो है वो किसी का साइड नहीं लेंगे, इस चीज़ को डिप्लोमेसी के साथ जो है वो ख़त्म करो, रशिया और यूक्रेन आप डिप्लोमेसी के साथ ख़त्म करें, डायलॉग्स के साथ जो है वो ख़त्म करें। तो इंडिया जो है वो बहुत न्यूट्रल है अभी वॉर वाले एस्पेक्ट में, वो किसी की भी कंट्री का साइड नहीं ली है। ऐसा इंडिया ने इसलिए किया क्योंकि इंडिया का दोस्त है रशिया और इंडिया अपने रशिया के साथ जो है वो रिलेशंस बना के रखना चाहती है। इंडिया का दोस्त है यूके भी, यूएस भी, तो इंडिया जो है वो उनके साथ भी रिलेशन बना के रखना चाहती थी। तो बहुत ही न्यूट्रल जो है वो स्टैंस लिया इंडिया, जो मेरे ख्याल से हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं बात कर लूँ दूसरे कंट्रीज़ की, जैसे यूके हो गए और यूएस हो गई, वो पूरा साइड ले लिया भाई साहब यूक्रेन का। इन लोग जो है वो प्रो यूक्रेन हो चुके हैं। अब प्रो यूक्रेन इन लोग इसलिए हुए क्योंकि देखें, अमेरिका का तो पहले से रशिया के साथ बनता नहीं था, इनका कोल्ड वॉर बहुत पहले से चला आ रहा है। मोर ओवर, यूके जो है वो यूरोपियन एक तरीके से आप समझ सकते हैं अलायंस में आती है, और यूक्रेन भी जो है वो यूरोप से बहुत ज़्यादा मदद लेना चाह रही है नेटो वगैरह से। तो ऑफकोर्स यूके का भी झुकाव जो है वो यूक्रेन की तरफ ज़्यादा है। ज़्यादा क्या मतलब, पूरा ही है एक तरीके से। इन लोग रशिया को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब अगर ये जंग यूक्रेन वर्सेस रशिया 2022 में, जब इंटरनेशनल लॉस इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, यूएन आप नहीं मानेंगे कि एक्टिव है बट स्टिल अगर एक्टिव है, और इतने सारे जो हैं वो ट्रीटीज़ वगैरह साइन हो चुके हैं कि अब वॉर नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, न्यूक्लियर वॉर में नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, इतने सारे ट्रीटीज़ वर्ल्ड वॉर टू के बाद साइन वगैरह हो गए, यूएन अब जो है वो काम करती है। अगर ये इवेंट, ये वॉर अभी 2022 में नहीं हुआ रहता, तो भाई साहब आप ये माने कि अभी तक ना ब्रिटेन यूएस रशिया के ऊपर चढ़ाई करने चली गई होती, ये वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे होते अगर ये चीज़ 2022 में नहीं हो रही होती। तो देखें, अगर हम वर्ल्ड वॉर टू के बारे में बात कर लें, तो भाई साहब जैसा बहुत क्लियर था, जर्मनी वर्सेस यूरोप था एक तरीके से, तो जर्मनी के साइड वाले, जर्मनी, इटली, जापान वर्सेस अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये हो गया था। तो ऐसे ही कुछ हमको देखने को मिलता अगर ये वॉर 2022 में नहीं छिड़ी होती। लेकिन सिंस अब वॉर में तो जान ही सकते हैं, तो अब ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो यूएस हो गई, यूके हो गई, अब ये ना एक तरीके से रशिया के खिलाफ सैंक्शंस जो है वो करते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अब ये इकोनॉमिकली जंग लड़ेंगे। सैंक्शंस बोले तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे रशिया के ऊपर। जैसे नया सैंक्शन मैं आपको बताऊं तो स्विफ्ट, जो ग्लोबली पैसे ट्रांसफर करने का एक माध्यम होता है, उसको ब्लॉक कर दिया रशिया का। जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे अब वो रशिया के लोग नहीं कर सकते हैं ग्लोबली। अब रशिया भाई साहब अपने अंदर ही जो है वो ट्रांजेक्शन कर सकती है, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड वाइड बैंक्स होते हैं वो एक स्विफ्ट कोड एक्सेप्ट करते हैं। जैसे आप IFC कोड देते हो ना, वैसी इंटरनेशनल फंड्स ट्रांसफर करने के लिए स्विफ्ट कोड को यूज़ किया जाता है, जो अब जितने भी रशियन अकाउंट्स हैं वो नहीं कर सकते। तो एक ये तरीका हो गया जिससे रशिया ग्लोबली, रशिया का इकोनॉमी जो है वो टूट जाएगा। मोर ओवर, अगर मैं और सैंक्शंस के बारे में बात कर लूँ, तो कई सारे ट्रेडिंग सैंक्शंस भी लगाई गई हैं यूएस और यूके के द्वारा। तो अब वॉर में तो नहीं जा सकते, जंग तो नहीं लड़ सकते, तो इकोनॉमिकली कैसे तोड़े रशिया को, अब ये कर रहे हैं। तो अभी तक कहानी ये चल रही थी कि रशिया के गवर्नमेंट के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, रशिया की गवर्नमेंट को तोड़ेंगे, लेकिन अब जितना प्रेशर बन रहा है इस वॉर का, धीरे धीरे ये वॉर जितनी बढ़ रही है भाई साहब, अब जो है वो प्रेशर बन रहा है रशियन बिजनेसमैन्स, रशियंस ओलिगार्च, रशियंस ऐसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल रशियंस जो अलग अलग दुनिया के पार्ट में रहे, उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए। तो रोमन अब्रामोविच इस वन ऑफ दोस रशियन, रशिया के हाई प्रोफाइल बंदे जिनका रशिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो है वो
नाम है, पॉलिटिकल पावर है, वो यूके में आकर के रहते हैं और यूके में अपने बिजनेस कंडक्ट करते हैं। तो अब यूके सिंस यूक्रेन की साइड ले चुकी है, यूके की गवर्नमेंट फोर्स कर रही है जितने भी ये रशियन बिजनेसमैन हैं यूके में, इनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाने को। क्योंकि अगर मैं कल कहीं एक आप ये कह सकते हैं यूएन के कॉन्फ्रेंस में बोरिस जॉनसन जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस काइंड ऑफ चल रहा था, तो वहाँ पर एक यूक्रेन की लेडी आकर के सवाल उठा रही थी, उन्होंने तो सीधा बोला रोमन अब्रामोविच कैसे अभी तक यूके में जो है वो बिना सैंक्शन के जी रहा है, जब हमारे यूक्रेन में माँ बाप, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त यार मर रहे हैं, यहाँ रोमन अब्रामोविच ऐश कर रहा है, उसके बच्चे ऐश कर रहे हैं। आप सुने Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? सुने तो ये प्रेशर डाल रही यूके की गवर्नमेंट के ऊपर, यूएस की गवर्नमेंट के ऊपर, इन रशियंस जो दूसरे मतलब इन रशियंस के ऊपर एक्ट करने के लिए। अब भाई साहब अगर सीधी सी बात मैं बताऊँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं यूके में काम करता हूँ और मुझे पता है कि मेरे ऊपर सैंक्शंस लगा सकती है ये गवर्नमेंट, मेरे जितने भी असेट्स हैं, मेरे जितने भी बिजनेस हैं यहाँ यूके में, अभी हो सकता है कि मेरे जितने भी बिजनेस हैं यूके जो है वो सीज कर ले, तो मैं एज अ बिजनेसमैन यही सोचूंगा कि भाई मेरे जितने भी बिजनेस हैं वो मैं जल्दी से जल्दी बेच के निकलूं यहाँ से, क्योंकि अगर एक बार गवर्नमेंट सीज कर ली मेरे बिजनेस को तो मैं तो भैया कंगाल हो जाऊंगा। तो यही काम कर रहे हैं रोमन अब्रामोविच। अब ये चीज़ पर्टिकुलरली केवल वॉर के चलते नहीं हुई है कि रशिया के सभी बिजनेसमैन को टारगेट करेंगे, एक और चीज़ रोमन अब्रामोविच के खिलाफ काम करी और वो है लीक्स ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। 2019 या 18 कोई डॉक्यूमेंट जो है वो लीक हुआ है जिसमें ये समझ में आ रहा है कि रोमन अब्रामोविच बहुत ही क्लोज़ हैं पुतिन से, पुतिन ऑफकोर्स रशिया के प्रेसिडेंट, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हैं और रशिया के कई सारे पुतिन के कामों काज में रोमन अब्रामोविच का काफ़ी ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्टेड रहता है। ऑफ कोर्स अब वो भाई रशिया का आदमी है तो ऑफ कोर्स वहाँ पे अपना काम धंधा देखेगा कि नहीं देखेगा यार। तो अब ये सब चीज़ें जो लीक हुई हैं वो और प्रेशर बना रही है, पॉलिटिकल प्रेशर बना रही है यूके के ऊपर कि रोमन अब्रामोविच के ऊपर भाई साहब आप सैंक्शन वगैरह लगाएं और इसको जो है वो इसका खेल ख़त्म करें। भाई साहब केवल रोमन अब्रामोविच नहीं है भाई, और भी कई सारे जो हैं वो रशियन बिजनेसमैन हैं जिसके ऊपर जो है वो सैंक्शंस वगैरह लगाने के तैयार में है यूके गवर्नमेंट। अब आप एक और चीज़ समझे, रोमन अब्रामोविच केवल चेल्सी नहीं ओन करता है, रोमन अब्रामोविच के कई सारे जो हैं वो बिजनेस हैं यूके में, कई सारे फैक्ट्रीज हैं यूके में, कई सारे इंडस्ट्रीज हैं यूके में, कई सारे कार्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, यार्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हैं, मैंशन हैं, सब चीज़ें जो हैं वो हो सकता है कि यूके की गवर्नमेंट सीज कर ले, यानी कि अब वो चीज़ें यूके की गवर्नमेंट की हो जाएंगी, अब वो रोमन अब्रामोविच की नहीं होंगी। तो रोमन अब्रामोविच एज अ बिजनेसमैन वांट्स टू सेल ऑफ ऑल हिज असेट, केवल नहीं केवल चेल्सी फुटबॉल क्लब को वो बेचना नहीं चाह रहे हैं, वो अपने कार्स, अपने बिल्डिंग, अपने जितने भी उसके पास चीज़ें हैं जिसको उसको लग रहा है कि भाई साहब ये यूके की गवर्नमेंट सीज कर लेगी, इसको मैं बेच के निकल जाता हूँ। अब ये हो गई पॉलिटिकली बातें, अब हम समझते हैं फुटबॉल को क्या जो है वो अफेक्ट करेगा ये चीज़। अब देखें आप, चेल्सी फुटबॉल क्लब इज़ एन असेट टू रोमन अब्रामोविच, जैसे उसकी कार है, जैसे उसके अलग बिजनेस हैं, ये भी उसका असेट है। अब रोमन अब्रामोविच जो हैं वो भाई साहब चेल्सी के ओनर हैं, है ना, उनका बिजनेस है ये, ऑल दो उनका दिल है भाई क्लब में, फुटबॉल जो है वो ऑफकोर्स हर एक बंदा पैशनेट रहता है, तो सीधी सी बात यह है कि वो नहीं चाहते हैं कि वो फुटबॉल क्लब को, अपने इतने प्यारे फुटबॉल क्लब को बेच करके निकले। बट सिंस ऐसा हो सकता है कि चेल्सी फुटबॉल क्लब जो है उसको अगर गवर्नमेंट सीज कर लेती है ये पकड़ते हुए कि ऑफकोर्स ये असेट है भाई साहब रोमन अब्रामोविच का, तो चेल्सी गवर्नमेंट की हो जाएगी, चेल्सी फुटबॉल क्लब जो है वो गवर्नमेंट ओन्ड फुटबॉल क्लब हो जाएगा अगर उसको सीज कर लेती है गवर्नमेंट। तो ये चीज़ भाई साहब एज अ फुटबॉल फैन कोई भी नहीं चाहेगा कि वो क्लब गवर्नमेंट की हो जाए। तो रोमन अब्रामोविच एज अ बिजनेसमैन एंड एज वेल एज अ फुटबॉल फैन ऑफ चेल्सी एज वेल, वो ये चाह रहे हैं कि वो चेल्सी फुटबॉल क्लब को बेच के निकले, ना कि चेल्सी जो है वो गवर्नमेंट की हो जाए। आप समझें इस बात को। तो जो वैल्यूएशन रखी गई है रोमन अब्रामोविच के द्वारा चेल्सी फुटबॉल क्लब की इज़ अराउंड 3 बिलियन। अब 3 बिलियन जो भी पे करेगा वो नया ओनर बन जाएगा चेल्सी फुटबॉल क्लब का। क्या ये चेल्सी फुटबॉल क्लब के लिए अच्छा है या नहीं है? देखें अच्छा है, अच्छा है, अच्छा इसलिए है क्योंकि भाई साहब अगर चेल्सी फुटबॉल क्लब गवर्नमेंट की हो जाती तो फिर भाई साहब लफड़ा हो जाता।
कौन नया ओनर आएगा ये डिपेंड करेगा कि कितना अच्छा है कि नहीं है। लेकिन अभी इस वक्त में जब सैंक्शंस जो हैं वो इम्पोज हो रहे हैं रोमन अब्रामोविच के ऊपर, मेरे ख्याल से सेलिंग ऑफ चेल्सी फुटबॉल क्लब इस the best thing which Roman Abramovich could do for the benefit of the club, और ये Roman Abramovich ने खुद भी कहा है कि मैं यही कर सकता हूँ और मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। सो अब लेट्स सी कौन नया ओनर बनेगा चेल्सी का। मोर ओवर क्या चेल्सी को बहुत ही और कोई ओनर मिलेगा, इतना अच्छा ओनर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अलग सवाल है जो मुझको नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि रोमन अब्रामोविच इज वन ऑफ द बेस्ट ओनर्स ऑफ एनी फुटबॉल क्लब इन द वर्ल्ड राइट नाउ। मैं ये आपको क्लियरली बता दूं, कोई भी फुटबॉल ओनर मेरे ख्याल से रोमन अब्रामोविच जितना पैशनेट नहीं है अपने क्लब के लिए जितना रोमन अब्रामोविच है, ठीक है। तो अब जो नया ओनर आएगा क्या वो इतना पैशनेट होगा, क्या वो इतने अच्छे से काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये अलग कहानी हो जाती है। क्योंकि अगर कोई अमेरिकन ओनर आ गया जैसे ग्लेजर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में, तो तुमको जानते हो यार उनको फुटबॉल का कोई नॉलेज नहीं है। अगर वैसा कोई ओनर आ गया चेल्सी में तो भाई साहब चेल्सी की गेम लग सकते हैं। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कौन नया ओनर आएगा चेल्सी का। बट रोमन अब्रामोविच को अब आप ये कह सकते हैं वॉर के चलते अपना फुटबॉल क्लब बेच करके ब्रिटेन से जो है वो रफा दफा होना पड़ेगा। अब ये चीज़ पुतिन के चलते नहीं हो रही है कि भाई पुतिन के चलते ये चीज़ हो रही है, पुतिन ने वॉर छेड़ दिया इसलिए हो रही है। दिस थिंग इज बेसिकली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कनेक्शंस ऑफ पुतिन एंड रोमन अब्रामोविच, जो लीक वगैरह हुए हैं डॉक्यूमेंट्स उसके चलते हो रहे हैं। ऑफकोर्स अगर ये वॉर नहीं छेड़ती तो मेरे ख्याल से नहीं इतना होता, बट अब वॉर छिड़ी है तो भाई साहब इनका खामियाजा देखो, यहाँ भी जो है वो भुगत रही हैं चीज़ें। अब इट्स रियली वेरी सैड टू इन्वॉल्व पॉलिटिक्स विथ फुटबॉल या फिर पॉलिटिक्स विथ एनी अदर स्पोर्ट। मेरे ख्याल से स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को अलग रखना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली आप ये माने कि फुटबॉल एंड पॉलिटिक्स जो है या स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स इन जनरल बहुत ही मिक्स्ड है यार। आप पॉलिटिक्स हर एक जगह है, आप अलग नहीं कर सकते पॉलिटिक्स को इस वर्ल्ड से। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ हो गई। नाउ ऑफकोर्स चेल्सी के लिए बहुत ही बुरा दिन है, चेल्सी फैंस के लिए बहुत ही बुरा दिन है, क्योंकि ऑफकोर्स उनको रोमन अब्रामोविच जैसा फुटबॉल ओनर अब दोबारा शायद ना मिल पाए। बाबा की कल स्ट्रीम चल रही थी, बाबा वॉज वेरी इमोशनल ऑन दी स्ट्रीम बिकॉज ऑफकोर्स यार 20 साल से रोमन अब्रामोविच के अंडर चेल्सी ने जो कमाया है, अब आई डोंट सी दैट हैपनिंग वंस अगेन। कोई अगर वैसा ओनर नहीं आया तो मैसी गया था तो मैं रो दिया था स्ट्रीम में भाई। सो मोर पावर टू बाबा, मोर पावर टू एवरी अदर चेल्सी फैन जो इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा दुखी है। बट यार अ न्यू एरा अवेट्स, अब यही हम कह सकते हैं। देखें मैसी के जाने के बाद बार्सिलोना ऑफ कोर्स स्टंबल हुई, बट ले देके जो है वो बिल्ड बैक हो गई, एंड आई विश द सेम फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब एज वेल यार। अ न्यू एरा अवेट्स एंड लेट्स बी पॉजिटिव एंड लेट्स होप सो कि भाई साहब चेल्सी में एक अच्छा नया ओनर आए। बट इट्स रियली सैड दैट ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स के चलते यू नो व्हाट इतना बड़ा जो है वो फुटबॉल में ब्लंडर हो रहा है। आई होप सो इस वीडियो से सेंस बनी होगी, अगर सेंस बनी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा एम है कि 30K हो जाए यार इस मंथ तक, है ना। बाकी अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, मेरा आज पेपर था वो दे करके आया हूँ। तो या एनीवेज, बाय बाय, टेक केयर।